नमस्कार, पूनिया बुटीक में आप सभी का स्वागत है। मैं कविता पूनिया, सात रोड कैंठी सार से। आज जो ऑर्डर वाले सूट थे वो बहुत ही सुंदर सुंदर सूट बन के आए हैं, उनकी वीडियो दिखाऊंगी। देखिए, सबसे पहले सूट है, फिरोजी कलर का है, डिब्बी वाला कपड़ा है, डिब्बी वाली सेल्फ है। ये देखिए, डिब्बी वाली सेल्फ है, घेरे और बाजू के ऊपर वर्क हो रखा है, इसके स्प्रिंग का काम है। देखिए, बहुत ही प्यारा सा काम है, स्प्रिंग का मजबूती का काम है, टिकाऊ काम है। देखिए, एक साइड में सीक्वेंस के ऊपर गांठ है, और ये देखिए जो नीचे की जो चैन है, नीचे का जो घेरे का जो पाइपिंग है वो, उसका लुक बहुत ही अलग है। खूब सुंदर काम बना रखा है, इसके अंदर गजब का काम हो रखा है। राजमंती जी का सूट है ये, और बिना दुपट्टा करवाया क्योंकि उनके पास रानी कलर का दुपट्टा था पहले। देखिए कितने प्यारे फूल बने हुए हैं, बहुत सुंदर काम हो रखा है। बहुत ही प्यारा कपड़ा है, सॉफ्ट कपड़ा है। हर एक वीडियो में बार बार कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है। क्रेप की जगह इस कपड़े को यूज़ करो। आगे अभी हफ्ते के अंदर प्लेन में भी कपड़ा लेके आऊँगी जो क्रेप की जगह यूज़ होगा। और ये जो डिज़ाइन है, इसको आप जैसे ये बूटी घेरे पे बनी हुई है, इसको आप फ्रंट पे बूटी भी करवा सकते हो। जैसे इसकी बजाय 1 2 3 ऐसे बूटी सीक्वेंस के हिसाब से पूरे फ्रंट के ऊपर भी करवा सकते हो। तो बहुत ही प्यारा सूट बना हुआ है राजमंती जी का। आज मैं ये सूट उनका पार्सल करवा दूंगी। अगला सूट है सीमा जी का। सीमा जी ने दुपट्टा दिया था, बहुत हैवी है, बहुत ही प्यारा दुपट्टा है। उस दुपट्टे के साथ कंट्रास्ट में रस्ट कलर का सूट करवाया है, डिब्बी वाली सेल्फ के अंदर। देखिए, छोटी सी जो डिब्बी वाली सेल्फ है उसके अंदर करवाया है, और घेरे पर वर्क है इसके। देखिए, गोटा पत्ती का काम है, बहुत ही प्यारा काम हो रखा है। गोटा पत्ती की सिलाई, पेस्टिंग और स्टिचिंग कर रखी है चारों साइड से, आउटलाइन कर रखी है चैन टाके की, बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ पूरी गोटा पत्ती सिलाई कर रखी है, और बॉर्डर पर सीक्वेंस का काम हो रखा है। और ये देखिए बाजू पर काम, बाजू पर भी खूब सुंदर काम कर रखा है। देखिए, बहुत सुंदर काम है। कलर कॉम्बिनेशन जो दुपट्टे के अंदर थे उसी के हिसाब से डलवाए हैं। अगला सूट है मोनिका जी का है, कादमा से। देखिए, व्हाइट मिरर वर्क करवाया है मोनिका जी ने। ये देखिए, जिगजैग जूट का कपड़ा, जो भी मिरर का अगर आप काम करवाते हो तो जिगजैग के अंदर करवाइए। देखिए, क्योंकि ये कपड़ा बहुत मजबूत है, बहुत ही प्यारे मिरर लगवा रखे हैं, बहुत ज्यादा शानदार काम हो रखा है इसके अंदर। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कोई व्हाइट कलर के ऊपर करवाता है, कोई कलरफुल, तो वो अपनी इच्छा है, अपनी इच्छा से आप किसी भी तरीके का काम करवा सकते हो। देखिए, और ये बाजू का काम है, बाजू पर भी बहुत ही प्यारा काम हो रखा है। और ये दुपट्टा है मोनिका जी का, सेम व्हाइट दुपट्टा, जैसे मिरर है उसी तरीके की लेस। देखिए, सूट एक नंबर का है, काम एक नंबर का है। देखिए, अगला सूट है पूजा जी का है, नजफगढ़ से। ये देखिए, ये है पूजा जी का सूट, नजफगढ़ से। लेवेंडर कलर का सूट है, जिगजैग का कपड़ा है, और ये देखिए फेवरेट वर्क हो रखा है। ये वर्क हमारा फेवरेट क्यों है, क्योंकि इतने सारे पीस जा लिए इस सूट के, हर एक कलर के ऊपर इस वर्क का जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो इसका लुक है, वो हर एक कलर के ऊपर बहुत ज्यादा डबल होके आ रहा है, डबल निखार के साथ आ रहा है। ये काम हर एक कलर पर, हर एक कपड़े पर ये जच रहा है। देखिए, पूरे फ्रंट के ऊपर बूटी है। देखिए, एक खास बात हो रहा है इस वर्क की, एक वर्क के साथ ही दो वर्क बन गए, जैसे एक घेरा और बाजू हो गया, दूसरा क्या किया, फ्रंट के ऊपर बूटी बूटी करवा ली। तो ये जो बूटी वर्क है भाई, देखो, एक तो बजट के हिसाब से भी चलता है कि हर बार हैवी नहीं डाले जाते, हर बार हल्के भी नहीं डाले जाते। तो जिनको रूटीन के हिसाब से करवाना हो सूट, वो बूटी बूटी वर्क करवाओ, अलग बूटी भी बनवा सकते हो, कोई भी डिजाइन भेजो आप बूटी का, वो बन जाएगा सूट के ऊपर, और हैवी करवाना चाहो तो हैवी भी हो सकता है। अगला सूट है रितु जी का, रितु अहलावत। ये देखिए, घेरा और बाजू करवाया है लेवेंडर कलर के ऊपर, शेड में थोड़ा फर्क करवाया उन्होंने। देखिए, बहुत ही प्यारा सूट है, सेम वही वर्क है, इसमें कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग दे दिया है, व्हाइट मोती है, काम बहुत ज्यादा फिनिशिंग के साथ है, बढ़िया काम हो रखा है। ये देखिए,
ये बाजू का काम है। तो ये देखिए खूब सुंदर सूट बना हुआ है ऋतु जी का। तो ये थे आज के ऑर्डर वाले सूट, बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर सूट है। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपनी चॉइस के हिसाब से कलर करवाओ, अपनी चॉइस के हिसाब से वर्क करवाओ। और ऐसे ही पूनिया बुटीक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो मेरी डेली की वीडियो है वो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।